Dear students, in this video of IMU for class 6, I am going to start chapter 12, that is ratio and proportion. Start karte hain with first question. The middle term, if four different numbers r is proportional, are called. What is called? That is called mean. Divide 912 into 3 parts in the रेशियो ऑफ 2:3:7, ठीक है. तो दिस शुड बी द रेशियो. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ रेशियो टर्म. तो सम ऑफ रेशियो टर्म क्या होगा, सम ऑफ रेशियो टर्म इज इक्वल टू, इन सबका सम मींस 2+3+7 इज इक्वल टू 12, ठीक है. 7+3 10, 10+2, ठीक. नाउ फर्स्ट पार्ट इज दिस वन, मींस की 2. तो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 912 × 2/12, डन. नाउ अब इसको हम सॉल्व करते हैं. तो 2 को हमने 2 से डिवाइड किया एंड 12 को भी 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ 1, यहाँ 6. नाउ अब हम 6 से 912 को डिवाइड करके देखते हैं. 912 डिवाइडेड बाय 6, फर्स्ट टर्म में जाएगा 6, माइनस किया 3, 1 दिया. 5 टाइम्स में जाएगा 30, माइनस किया 1, ऊपर से हमने 2 लिया, 2 टाइम्स में जाएगा और ये 0 जाएगा. मीन्स फर्स्ट टर्म इज 1, 5, 2, मीन्स दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, आइदर दिस इज राइट और दिस इज राइट. तो नेक्स्ट चेक करते हैं इसके लिए. टर्म इज 3, मीन्स हम क्या करेंगे, 912 × 3/12, डन. नाउ 3 से डिवाइड करें हम यहाँ पर, तो 1 टाइम में, यहाँ पर 4 टाइम में. नाउ अब हम 4 से डिवाइड करेंगे 912 को, तो 4 × 2 = 8, माइनस 1, ऊपर से 1 आया, 4 × 2 = 8, माइनस 3, ऊपर से 2 आया, 4 × 8 = 32, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0, मींस 2 × 2 = 8 इज द सेकेंड टर्म. तो मींस बी इज द राइट ऑप्शन. 1 × 5 = 2 आ गया, 2 × 2 = 8 भी आ गया. थर्ड भी हम चेक कर लेते हैं, ये क्या होगा, 912 × 7/12, ठीक. आप चाहो तो चेक करो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, करके देख लेते हैं. 7 × 2 = 14 की 4 power i 1, 7 × 1 = 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा 8, 7 × 9 = 63, डन. नाउ अब इसको हमें डिवाइड किससे करना है, 12 से. तो 12 से डिवाइड करेंगे, 12 × 5 = 60, माइनस किया 3, ऊपर से 8 आया, 12 × 3 = 36, माइनस किया 2 आया, ऊपर से 4, 12 × 2 = 24, माइनस किया 0 0, 5 × 3 = 2. तो बी इज द राइट ऑप्शन. फाइंड m If four numbers m, 24, 72, 96 are in proportion, तो first of all हमें proportion का means होना चाहिए. Basically proportion is two ratio that have been set equal to each other. Means कि दो ratio होते हैं जिनको हम equally set करते हैं and this ratio is called proportion. For example, in this question हमारे जो term है, तो हमारा proportion का sign कैसे होगा, हमारा numbers हैं 20m:24 proportion (double colon) 72:96, ठीक है. नाउ अब हम इनको फाइंड करते हैं. तो अगर हम इनको प्रोपोर्शन के फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म्स में लिखे, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, m डिवाइडेड बाय 24, बिकॉज कोलन फॉर रेशियो, यहाँ क्या हो जाएगा 72:96, ठीक है. तो ये हमारे इक्वल हो गए. और दूसरा फॉर्म हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, कि हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ले लें. एक्सट्रीम हमारे क्या होते हैं, ये दोनों प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मीन्स m इंटू 96 will be equal to product of mean. ये जो दो टर्म है 24 और 72, ये mean होंगे, means 24 × 72, ठीक है. तो now अब हमारा m की value मिल जाएगी. m की value क्या होगी, m will be equal to 24 × 72/96. now solve करते हैं. 24 से अगर हम 96 को divide करें तो हमें क्या मिलेगा, 4. now अब 4 से हम 72 को divide करें तो हमें क्या मिलेगा, 4 × 72 = 4, −3 × 2 = 32, 4 × 8 = 32. मीन्स यहाँ पे अगर हमने 4 से इसको डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेगा, 18. मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू हो गई 18. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस. तो याद रखना है प्रोपोर्शन का मीन्स होते हैं जब हम दो रेशियोज को इक्वल रखते हैं, और इन केस ऑफ प्रोपोर्शन अगर रेशियोज इक्वल हैं तो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू मीन प्रोडक्ट, ठीक है. तो ये आपने याद रखना है. If P colon Q proportion to R colon S, then the correct statement is, तो इसमें क्या होगा, Q and extreme का product, product के form में means कि extreme का product और mean का product equal होंगे, ठीक है. Extreme का product means कि P S is equal to Q R, और आप लिख सकते हो Q R is equal to P S, ठीक है. तो option A is correct for this.
अगेन ऑन प्रोपोर्शन एंड इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, मीन्स डी इज करेक्ट फॉर दिस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेयर ऑफ ए बी सी रिस्पेक्टिवली आर डैश इफ रुपी 5460 इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/4. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं दिस एक्स, दिस इज फॉर ए, दिस इज फॉर बी एंड दिस इज फॉर सी. ठीक है, तो शेयर ऑफ ए क्या हो जाएगा, शेयर ऑफ ए विल बी इक्वल टू एक्स बाई टू और बी का क्या हो जाएगा एक्स बाई थ्री एंड सी का क्या हो जाएगा एक्स बाई फोर. ठीक है, नाउ अगर हम इन सारे शेयर्स को कंबाइन करें तो दैट विल बी इक्वल टू दिस, मीन्स एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई थ्री प्लस एक्स बाई फोर इज इक्वल टू 5460. डन. नाउ हमें फाइंड आउट करना है x की वैल्यू को. ठीक है, तो x की वैल्यू के लिए पहले हम ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो हम यहां लिख लेते हैं x x बाई टू प्लस एक्स बाई थ्री प्लस एक्स बाई फोर इज इक्वल टू 5460. ठीक है, यहां एलसीएम लेंगे, एलसीएम विल बी 12, 2, 3, 4 का एलसीएम क्या आएगा 12. नाउ 2 से हमने 12 को डिवाइड किया तो 6 टाइम, तो यहां क्या होगा 6x प्लस 3 से 12 को डिवाइड किया तो 4 टाइम्स, 4 इंटू एक्स क्या होगा 4x प्लस 4 से 12 को डिवाइड किया तो 3 टाइम 3x. ठीक है, इज इक्वल टू 5460. सबको टोटल किया 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 3 13, 13x डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 5460. x विल बी इक्वल टू 5460 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 13. ठीक है, ये आएगा 13 से 5460 को डिवाइड करें तो 13 फोर जा 52. डन, माइनस किया 26, 13 टू जा 26, माइनस किया 0, 0, स्टिल 10 लेफ्ट, तो यहाँ 0 लेंगे और यहाँ 0 लेंगे, मीन्स कि x विल बी इक्वल टू 420 इंटू 12. नाउ मल्टीप्लीकेशन करें तो 12 0 0, 12 टू जा 24 की 4 पावर आई 2, 12 4 जा 48, 48 प्लस 2 क्या होगा 50. तो दिस इज द x. नाउ अब हमें सबके शेयर सेपरेटली फाइंड आउट करने हैं. तो नाउ हमने पहले भी बताया था कि ए का शेयर क्या था x बाई टू, वी हैव x इज इक्वल टू 5040. ए शेयर भी हमने किया था x बाई टू, मीन्स 5040 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2520. मीन्स आइदर बी ऑप्शन और डी ऑप्शन, चेक कर लेते हैं रिमेनिंग को भी. नाउ बी का शेयर क्या होगा, बी के लिए 5040 डिवाइडेड बाई 3, बिकॉज हमने क्या लिखा था x बाई 3. नाउ डिवाइड करें 3 1 जा 3, 2 0, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24 एंड 0. आप सॉल्व कर सकते हो रफ में, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस. इसका हम लास्ट भी फाइंड आउट कर लेते हैं. लास्ट हमारा क्या है फॉर सी, सी का शेयर क्या होगा x बाई 4, मीन्स 5040 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 से 4 1 जा 4, यहाँ 1 रिमाइंडर होगा, 1 और 0 से 4 2 जा 8, 2 4 से 6 0, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट जो भी हमने चेक किया था. डन, ये जो मैंने डिवीजन के डायरेक्टली किया, आप पेन और कॉपी लेके रफ में करें सो दैट कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो. क्लियर है, नाउ फॉर दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट. इज द रेशियो ऑफ 80 सेंटीमीटर टू 3.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, हमें बताना है कि इन दोनों का जो रेशियो है इनमें से किसके रेशियो के इक्वल है. ठीक है, तो वैसे तो बता दूं ये हमारा इक्वल है 160 सेंटीमीटर इज टू 7 मीटर के. अब कैसे है चेक कर लेते हैं. तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन गिवन है, यहां पर हमारा रेशियो है 80 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड दूसरा क्या है 3.5 मीटर. अगर हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 3.5 इंटू 100, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई किया 3500, पॉइंट यहां लगाया. ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू, तो हमारा रेशियो हो जाएगा 350 सेंटीमीटर. नाउ बोथ सेंटीमीटर में अब इनका रेशियो क्या होगा 80 350. डन, और वी कैन राइट 80 डिवाइडेड बाई 350, 0 से 0 कैंसिल, तो बेसिकली हमें यहां मिलेगा 8 डिवाइडेड बाई 35. ठीक, नाउ अब हम वेरीफाई करते हैं हमारे ऑप्शंस में से किसके पास है, चेक करते हैं. देखो ये 197 सेंटीमीटर है, मींस 190 डिवाइडेड बाई 7, तो दिस इज रॉन्ग, बिकॉज हमें चाहिए 8 बाई 35, तो ये तो गलत हो गया. नाउ अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है 160 सेंटीमीटर एंड 7 मीटर, मींस 7 × 100 इज इक्वल टू, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में रखना होगा दोनों को, यहां होगा 160 डिवाइडेड बाई 700, 0 से 0 कैंसिल, नाउ हाउ मच लेफ्ट 16
16 डिवाइडेड बाई 17। अब हम 16 को अगर 2 से डिवाइड करें, 16 को 2 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा 8, और अगर हम 70 को 2 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा 3 टाइम्स में जाएगा 6 माइनस 1 0 35 मींस की 35। तो नाउ यू कैन सी दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू बोथ इक्वल मींस विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 160 सेंटीमीटर कोलन 7 मीटर रेशियो इज सेम एज 80 सेंटीमीटर टू 3.5 मीटर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द शेडेड एरिया टू द अनशेडेड एरिया। तो सबसे पहले टोटल रेक्टेंगल्स कितने हैं, देयर इज 2 रो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम्स मींस 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20 ब्लॉक्स। नाउ अब हम शेडेड फाइंड आउट करते हैं, शेडेड के लिए 1 2 3 इसके साथ कंबाइन होके होगा, 4 इन दोनों का मिला के होगा, ठीक है, फिर 5 6 एंड फिर यहां पर हमारा 7, ये दोनों मिलाकर 8, ये दोनों मिलाकर 9, ठीक है, ये दोनों मिला के हुआ था 7, और फिर ये और ये मिला के 10 हो गया। नाउ 10 के बाद दिस कंबाइन विद दिस तो होगा 11, एंड ये हमारा कंबाइन होगा इसके साथ तो 12, और ये हमारे कंबाइन होंगे तो 13, मींस कि देयर इज 13 शेडेड, ये हो गया शेडेड। तो अनशेडेड क्या हो जाएंगे, 20 माइनस 7 इज अनशेडेड, ठीक है। नाउ अब हमें बताना क्या है, रेशियो ऑफ शेडेड एरिया टू द अनशेडेड, तो शेडेड एरिया इज 13, अनशेडेड इज 7, तो रेशियो इज 13:7, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 7:8, तो रेशियो मीन्स की 7:8 का होना चाहिए, तो 1/1 चेक करते हैं। तो अब ये देखो, ये 1/42 है, 1/42 डिवाइडेड बाई 1/28, तो नाउ यू कैन ऑब्जर्व हमें चाहिए 7/8, दिस इज डिनोमिनेटर इज मोर देन द न्यूमिनेटर, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। नाउ अब हम चेक करते हैं फॉर 1/12 डिवाइडेड बाई 1/24 के लिए, ठीक है, तो अगर हम इसके लिए ट्राई करते हैं तो इन दिस केस हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, अगर हम इसको डिवाइड करें 4 से तो दिस विल बी 28 एंड दिस विल बी 31, तो ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, मींस दिस इज नॉट पॉसिबल। नाउ थर्ड चेक करते हैं, थर्ड इज 136 डिवाइडेड बाय 116, इसको सॉल्व करें, अगर हमने इसको अगर 4 से डिवाइड किया तो 4 3 12, 4 4 16 डिवाइडेड बाई 4 2 8 एंड 4 9 36, ठीक है, अगेन पॉसिबल नहीं है फर्दर डिवीजन, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, वेरीफाई कर लेते हैं, 119 एंड 136, ठीक है, 17 की टेबल से 17 7 119 एंड 17 8 136, मीन्स की डी इज द राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ एक्स कॉलन वाई इज इक्वल टू 4:5, देन 4x + 5y: 5x - 2y इज इक्वल टू। तो सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना होगा x इन y की वैल्यू को, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द दिस स्टेटमेंट x डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू 4/5, ठीक है, तो हम इसमें से आइदर x की और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इजी होगा, हम x की ले लेते हैं, तो x विल बी इक्वल टू 4/5y, यहाँ डिविजन था तो इक्वल के दैट अपोजिट साइड क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। नाउ अब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज 4x मीन्स 4 × 4y / 5 + 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16y / 5 + 5y, ठीक है। नाउ अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारा एलसीएम क्या होगा 5, यहाँ क्या आएगा 16y + 25y, दोनों को ऐड करो, 16 + 25 विल बी 41y/5, ठीक है, ये इसका सोल्यूशन हो गया। नाउ अब हम दूसरे का करते हैं, दूसरा हमारा क्या है 5x मींस 5 × 4y / 5 - 2y, 5 से 5 कैंसिल, 4y - 2y विल बी इक्वल टू 2y, ठीक। नाउ दोनों वैल्यूज मिल गई, अब हम पुट करके देखते हैं, 41y / 5:2y, तो y से y कैंसिल, 41/5:2, 2 को अगर हम अपोजिट साइड लेके जाएं तो इट बिकम्स 41:2 × 5,
इज इक्वल टू 41:10 मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट. ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस. 11. रेशियो इज अ मेथड ऑफ कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज बाय एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन. तो हम रेशियो में क्या करते हैं, डिवीजन. तो सी इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन इज द एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट ऑफ अ रेशियो डैश चेंज्ड अनलेस देयर इज अ चेंज इन द गिवन स्टेटमेंट. सबसे पहले तो एंटीसीडेंट एंड कौन सीक्वेंट क्या होते हैं. सपोज वी हैव रेशियो ऑफ एक्स एक्स कॉलन वाई का, तो दिस इज कॉल्ड एंटीसीडेंट एंड दिस इज कॉल्ड कौन सीक्वेंट. तो प्लीज रिमेंबर, जो हमारा न्यूमरेटर होगा दैट इज कॉल्ड एंसीडेंट एंड जो हमारा डिनोमिनेटर होगा दैट विल कॉल कौन सीक्वेंट. नाउ अब हम क्वेश्चन का आंसर करते हैं. क्वेश्चन में क्या है कि द एंसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट ऑफ अ रेशियो डैश चेंज अनलेस देयर इज अ चेंज इन द गिवन स्टेटमेंट. तो इसके लिए होगा कैन नॉट बी. बी इज द राइट ऑप्शन. इन द वर्ड कंपैरिजन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कंसोनेंट्स टू द नंबर ऑफ वोवल्स इज. तो हमारे वोवल्स कितने हैं पहले हम वो काउंट करते हैं. वोवल्स हमारा 1, 2, 3, 4 फोर हमारे वोवल्स हैं. रिमेनिंग हमारे कंसोनेंट हैं. तो हमारे कंसोनेंट्स कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स हमारे कॉन्सोनेंट्स हो गए. नाउ अब हमें इनका रेशियो चाहिए. तो रेशियो किसका, इन्होंने पूछा द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट मीन्स 6/4 और वी कैन राइट इट 6:4. ठीक है, तो सी इज द राइट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इन प्रोपोर्शन. हमें पता करना है कौन प्रोपोर्शन में नहीं है. तो हम प्रोडक्ट वाला मेथड यूज करते हैं. एक्सट्रीम का प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू मीन प्रोडक्ट. तो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट क्या होगा, 1380 × 7 विल बी इक्वल टू 805 × 12. ठीक, 7 0 0 7 8 56 की 06 पावर आई 5 7 3 21 21 + 5 = 26 की 6 7 1 7 + 2 क्या होगा 9. दिस साइड हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 12 से 12 5 = 60 एंड 12 8 = 96 मीन्स की दीज आर इन प्रोपोर्शन. नाउ नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं. इन केस ऑफ नेक्स्ट ऑप्शन हमें मल्टीप्लाई करना है 16 × 7 इज इक्वल टू 28 × 4. नाउ 7 6 = 42 की 2 पावर आई 4 7 1 = 7 + 4 = 112 4 8 = 32 की 2 पावर आई 3 और 11 दिस इज ऑल्सो इन प्रोपोर्शन. नाउ थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं. अकॉर्डिंग टू थर्ड ऑप्शन 90 एक्सट्रीम का प्रोडक्ट मीन्स 190 × 150 इज इक्वल टू मीन का प्रोडक्ट 135 × 100. तो नाउ 15 9 = 135 तो 13500 इज इक्वल टू 13500 मीन्स ए बी सी ऑल इन प्रोपोर्शन. तो डी इज द राइट ऑप्शन मीन्स की दैट इज नॉट इन प्रोपोर्शन. चलो वेरीफाई करते हैं. 51 × 98 शुड बी इक्वल टू 85 × 57. अगर हम इनकी वंस पोजिशन को देखें तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी गेट 8 और इन दिस केस वी गेट 5 7 मीन्स 35 ना, 35 मीन्स 5. तो 8 and 5 बोथ आर डिफरेंट मीन्स की दीज आर नॉट इन प्रपोर्शन. हमें पूरा मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन द रेशियो ऑफ 1/3 ऑफ रुपी 9.32 0.6 ऑफ रुपी 1.55 इज. तो पहले हम इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे देन हम उनका रेशियो फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्या है, 1/3 ऑफ रुपी 9.30 मीन्स 9.30 मल्टीप्लाइड विथ 1/3 इज इक्वल टू 9.30 डिवाइडेड बाई 3. अब अगर हमने 3 की टेबल से डिवाइड किया तो यहाँ क्या मिलेगा 1 एंड अपर क्या मिलेगा 3 3 = 9 3 1 = 3 एंड 0 मीन्स 3.10. सेम वे 0.6 ऑफ 1.55 मीन्स 1.55 मल्टीप्लाइड विथ 0.6 मल्टीप्लाई करते हैं 6 5 = 30 की 0 पावर आई 3 6 5 = 30 30 + 3 = 33 पावर आई 3 6 1 = 6 + 3 क्या होगा 9. नाउ डेसिमल पॉइंट 1 place this side 2 place this side मीन्स पॉइंट यहाँ होगा. नाउ अब हमें इनका रेशियो निकालना है. तो इनका रेशियो क्या होगा, फर्स्ट नंबर हमारा क्या था 3.10, तो हमारा रेशियो हो जाएगा 3.10 डिवाइडेड बाई 0.93. तो पॉइंट से पॉइंट को हटाते हैं तो हमें मिलेगा 310 डिवाइडेड बाई 93. नाउ अब 31 की टेबल से हम इसको डिवाइड करें तो यहाँ क्या आएगा 31 × 10 = 310 एंड यहाँ क्या आएगा 3. तो व्हाट इज द रेशियो, 10:3 मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस. Now, next question from Everyday Mathematics. Question is, the ratio of the volume of water in bottle P to the volume of water in bottle Q is 3:4. Means ki, P mein jo water hai and Q mein jo water hai, dono ka ratio kya hai, 3:4 ka. Rajiv drank 40 ml of water from the bottle P and then the ratio becomes 13:20.
उसने अगर 40 ml पानी पी लिया तो वॉट इज द रेशियो 13:20। हाउ मच वाटर वॉज देयर इन द बोटल पी एट फर्स्ट, मीन्स कि जब पानी नहीं पिया गया था एट द स्टार्टिंग वॉट वॉज द वॉटर क्वांटिटी। ठीक है, तो लेट वॉटर इज x, अगर यहाँ पर एक हम मान लेते हैं क्वांटिटी x, तो लेट वॉटर इन p, वॉटर इन p क्या हो जाएगा 3x, एंड q में क्या हो जाएगा 4x। ठीक है, बिकॉज रेशियो क्या था हमारा, p डिवाइडेड बाई q is equal to 3:4, तो हमने x का मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। ठीक है, नाउ अब ये हमारा फर्स्ट रेशियो था। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस इन्होंने क्या बोला कि 40 ml किसने पी लिया, राजीव ने। नाउ जब उसने पानी पी लिया तो व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ पी, 3x - 40, एंड q की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया, तो रेशियो इज 4x विल बी इक्वल टू 13:20। ठीक है, दिस इज द रेशियो 13:20। नाउ अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हम इनके प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या हो जाएंगे, 20 मल्टीप्लाइड विथ 3x - 40 विल बी इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ मीन, मीन्स की 4x into 13। ठीक है, सॉल्व करें तो यहाँ क्या आएगा, 20 3 60 की 60x - 20 and 40 का मल्टीप्लीकेशन करें तो इट विल बी 800 इज इक्वल टू 13 4 52x। ठीक, नाउ अब हम साइड चेंज करते हैं, x को x की साइड लेके आते हैं और 800 को अपोजिट साइड लेके आते हैं, तो चेंज की तो 60x - 52 हो जाएगा, बिकॉज ये अपने अपोजिट साइड में आया, इज इक्वल टू 800, तो 800 माइनस साइन के साथ था तो पॉजिटिव हो गया। नाउ डिफरेंस ऑफ 60 - 52 इज 8x, एंड इधर क्या होगा 800। नाउ x विल बी इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो दिस इज x। नाउ क्वांटिटी ऑफ p क्या हो जाएगी, 3 into 100, 100 इज इक्वल टू 300। ठीक है, तो नाउ c इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। If cost of a candy is 50 paise and cost of an ice cream is rupee 20, then the ratio of the cost of the candy to the cost of an ice cream, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, cost of ice cream को convert करेंगे in paise, because candy की cost in paisa है। ठीक है, तो we all know rupee 1 is equal to 100 paise। ठीk है, 100 paise, तो in that case 20, rupee 20 is equal to 100 into 20 is equal to 2000 paise। ठीक, now ratio क्या है, then the ratio of the cost of candy is 50 divided of cost of ice cream means 2000, 0 से 0 cancel, now 5 से divide करें हम both side, upper side and lower side, तो 5 ones are 5 and this side 5 4 0, 5 4 are 20 and 0, तो what is the ratio, 1:40, 1:40 means option B is correct for this। A pole is cut into 2 pieces in the ratio 8:9 if the total length is 1650 meter, then find the length of the smallest part। ठीक है, तो इसमें smallest part का ratio क्या है, 8 है। ठीक है, तो now सबसे पहले हम इन दोनों का total ले लेते हैं, अगर हम इनका total लेते हैं तो this will be 8 + 9 = 17। smallest क्या है, 8, means हमें क्या निकालना होगा, 8/17 of 1615। ठीक है, तो now अगर हम ये करें तो 1615 into 8/17। नाउ 17 से डिवाइड करके देखते हैं, 17 से हम डिवाइड करेंगे 1615 को, तो 17 9 = 153 माइनस किया 8 and 5, 17 5 = 85 माइनस किया 0 0, तो दिस विल बी इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 95, 95 into 8 इज इक्वल टू 8 5 = 40 की 0 पावर आई 4, 8 9 = 72, 72 + 4 क्या होगा 76, means which option is correct, option C is correct for this। Now next question is, in a cricket coaching camp 1200 children are trained, ठीक है, out of which 900 are selected for various matches, ratio of non-selected children to the total number of children is, तो first of all selected is 900, तो non-selected will be equal to total means 1200 माइनस सेलेक्टेड मीन्स डिफरेंस इज 300। नाउ रेशियो ऑफ नॉन सेलेक्टेड विथ टोटल, तो दैट रेशियो विल बी नॉन सेलेक्टेड डिवाइडेड बाई टोटल इज इक्वल टू टोटल, कंप्लीट स्पेलिंग, 300 डिवाइडेड बाई 1200, 0 0 से 0 0 कैंसिल, नाउ डिवाइड करो 3 से, अपर अप साइड एंड डाउन साइड भी, तो 1 and 4, means what is the ratio, 1:4, which option is correct, option C is correct for this। Question is, in a quiz program the ratio of correct answer to
इनकरेक्ट आंसर्स इज 5:2. इफ अ स्टूडेंट गिव 16 इनकरेक्ट आंसर्स देन द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स गिवन इज, ठीक है, तो हमें यहाँ क्या बताना है कि रेशियो जो करेक्ट एंड इनकरेक्ट का है दैट इज 5:2, उसने 16 इनकरेक्ट ऑप्शंस दिए, आंसर्स दिए, तो करेक्ट कितने होंगे, लेट करेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू एक्स. तो नाउ व्हाट इज द रेशियो ऑफ करेक्ट एंड इनकरेक्ट, दैट इज 5:2 विल बी इक्वल टू एक्स इज टू 16, और वी कैन राइट 5/2 is equal to x by 16. This is the count of correct answers. This is the count of incorrect. जो ratio यहाँ होगा वही ratio यहाँ भी होगा. तो now what is the value of x? Multiplication कर दे अगर हम ऐसे, तो x into 2 will be equal to 16 into 5. ठीक है, that is equal to 80. Now x will be equal to 80 divided by 2 is equal to 40. Means how many correct questions? 40. Means B is the right option for this. Question is the price of a table and a chair are in the ratio of 7:5. If a table cost is 480 more than the chair cost, then the price of the chair, table cost is 480 more than the chair. Let chair cost is equal to x. ठीक है, if this is x, तो table की क्या हो जाएगी, table cost will be equal to x plus 480, because clearly mention है कि 480 ज़्यादा होगी chair की cost से. Now what is the ratio, question में जो ratio given है वो 7:5 will be equal to x plus 480 divided by x. Now multiplication करने पे क्या होगा, 7 will multiplied with x is equal to x plus 480 multiplied with 5. Multiplication करते हैं, 7x is equal to 5x plus 500, 5 जा 40 की 0 power i 4, 5 जा 20, 20 plus 4 is 24. Now x को x की साइड लेके आते हैं, तो 7x minus 5x will be equal to 2x is equal to 2400. तो now what is the value of x? X की value क्या हो जाएगी अब? X will be equal to 2400 divided by 2 is equal to 1200. ठीक? Now question में पूछा क्या है? Then the price of chair. तो price of chair क्या हो जाएगी? हमें find out होगी 1200. Which option is correct? Option C is correct for this. Now next question is a bag contain 1 rupee 50 paise and 25 paise coin in the ratio of 5:6:8. If the total amount is rupee 420, then find the total number of coins. हमें सबके coins बताने हैं, coins. तो first of all हम rupees को coins में convert करते हैं, पैसे में, तो 100 हो जाएगा. And 42 को अगर convert करेंगे तो it will be 42000. Because 1 rupee is equal to 100 paise, तो हम multiply कर देंगे 100 से, तो we get 42,000 paise. ठीक है, let number of coins of 100 paise is equal to 5x, 50 paise is equal to 6x and 25 paise is equal to 8x. Tick. Now according to the question, 5x multiplied with 100 plus 6x multiplied with 50 paise ke hai, plus 8x multiplied with 25, because 25 के हैं, is equal to 42000. Now multiply करेंगे तो this will be 500x plus 6 5 30 means 300x plus 25 8 200x is equal to 42000. Now सबको all together add करें तो 5 plus 3 8 8 plus 2 10 and 2 zeros more जो खत के साथ है, x will be equal to 4 2 0 0 0. Now 0 0 0 से 0 0 0 cancel. What is the value of x? X is equal to 42. ठीक है, तो now अब हमें क्या बताना है, the find the number of coins. हमें total coins बताने हैं. ठीक है, तो हमारी x की value क्या होगी, 42. तो now total coins क्या हो जाएंगे, हम सबको add कर लें. अगर हम सबको add कर लें तो भी हमें coins पता चल जाएंगे. 5x coin कितने थे हमारे, 5x, 6x and 8x. Total कितने थे हमारे पास, 5 plus 6 11 11 plus 8 19x. तो total coin क्या हो जाएंगे, if x is equal to 42 तो 19 into 42, multiply करें, 19 क्या हो जाएगा, 42 into 19 19 2 38 की 8 power i 3, 19 4 76 76 plus 3 क्या होगा, 79. means which option is correct, option A is correct for this. 3, the weight of 3 iron rods are in the ratio 3:7:10. The weight of the heaviest one is
टू के जी 650 ग्राम्स, फाइंड द टोटल वेट ऑफ द थ्री आयरन रॉड इज। तो नाउ अगेन हम प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह ही करते हैं थोड़ा। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, वेट ऑफ थ्री आयरन रॉड्स क्या हो जाएंगे, फर्स्ट का हो जाएगा 3x, सेकेंड का 7x एंड लास्ट का 10x, ठीक है। नाउ अब इन्होंने कहा कि हैवीएस्ट का वेट क्या है, दिस वन, एंड हैवीएस्ट कौन सा होगा जो 10x होगा, मीन्स 10x इज इक्वल टू 2 kg 650 grams। तो हम इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर देते हैं, 2 kg इज इक्वल टू 2000 प्लस 650 इज इक्वल टू 2650। नाउ दिस इज द वेट ऑफ 10x, तो x विल बी इक्वल टू 2650 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 265, ठीक। नाउ अब फाइंड द टोटल वेट, अगर टोटल वेट पूछा है तो हम सबको ऐड करते हैं 3x, 7x एंड 10x को, सबको ऐड किया तो दिस विल बी 20x, एंड x की वैल्यू क्या है 265, तो 20x विल बी इक्वल टू 265 इंटू 20, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 10 की 0 पावर आई 1, 2 6 12, 12 + 1 13 की 3 पावर आई 1, 2 2 4 और 4 + 1 क्या होगा 5 एंड दिस 0 दिस वन, मीन्स ये हुआ 5300। बट हमारे जो वेट्स ऑप्शन गिवेन है ये केजी एंड ग्राम्स में है, तो नाउ अब हम क्या करेंगे इसको कन्वर्ट करते हैं। तो वी ऑल नो कि 1 kg इज इक्वल टू 1000, तो हम डिवाइड करते हैं इसको, तो हमारे यहाँ पास पास क्या है ये 5, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए, 5300 डिवाइड बाई 1000, 5 times में 5000 माइनस वॉट इज द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो जाएगी ग्राम्स में, एंड दिस वैल्यू इज इन किलो, तो 5 kg 300 grams, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। कॉस्ट ऑफ 4 dozen ऑफ बनानाज इज ₹60, द नंबर ऑफ बनानाज परचेस्ड फॉर 22.50 विल बी, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 4 dozen बनाना, तो 4 dozen बनाना की कॉस्ट क्या है 60, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, एंड 4 dozen में बनाना कितने होंगे, टोटल बनानाज विल बी इक्वल टू 4 × 12, बिकॉज इन 1 dozen 12 बनाना, तो 12 × 4 = 48, टोटल बनाना ये है, एंड 48 की कॉस्ट क्या है 60, क्लियर है, 48 की कॉस्ट क्या है 60, तो कॉस्ट ऑफ वन विल बी इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 48, 12 की टेबल से डिवाइड करें 5, यहाँ आएगा 4, ठीक है। तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ वन बनाना। अब हमें फाइंड आउट करना है कि 22.5 में हमने कितने बनाना परचेस किए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर कॉस्ट ऑफ वन बनाना इज दिस, तो नंबर ऑफ बनानास इज इक्वल टू 22.5 डिवाइडेड बाई 5/4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 22.50 मल्टीप्लाइड विथ 4/5, ठीक है। नाउ अब हम 5 से अगर 22.50 को डिवाइड करें तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे कर लेते हैं 22.5 डिवाइडेड बाई 5, 5 × 4 = 20 माइनस क्या आएगा 2, ऊपर से हमने क्या लिया 5, बट 5 पॉइंट के बाद था, दैट्स वाई पॉइंट 5, 5 = 25, ठीक है, ये आ गया 0, मीन्स क्या आया 4.5, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 4.5 × 4 इज इक्वल टू 4, 5 = 20 की 0 पावर आई 2, 4, 4 = 16, 16 + 2 = 18, मीन्स 18 बनानास, तो बी इज द राइट ऑप्शन, क्लियर है ना। दिस वॉज द काउंट ऑफ नंबर ऑफ टोटल बनानास परचेज्ड बाई 22.50, ₹22.50 में कितने बनाना खरीदेंगे उसकी कॉस्ट है, तो हमने इस तरीके से कैलकुलेट कर दिया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अ प्रॉफिट ऑफ ₹3000 इज शेयर्ड अमंग एक्स वाई एंड जेड इन द रेशियो ऑफ 2:3:1, हाउ मच मोर मनी डज वाई गेट देन एक्स। तो सबसे पहले तो टोटल ऑफ दिस क्या हो जाएगा 2 + 3 + 1 इज इक्वल टू 2 + 3 = 5 + 6, ठीक है। नाउ इन्होंने पूछा है हाउ मच मोर मनी डज वाई गेट देन एक्स, तो ये एक्स का है इन वाई का है, तो हम पहले एक्स का निकाल लेते हैं, फॉर एक्स एक्स गेट मनी एक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू टोटल अमाउंट इज 3000 × 2/6, 2 से डिवाइड किया तो 1/3, नाउ 3 से डिवाइड किया तो दिस विल बी 1000, डन। नाउ सेम वे अब हम प्रॉफिट ऑफ एक्स का तो क्या आ गया हमारे पास 1000, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करते हैं वाई का, तो वाई का क्या हो जाएगा अमाउंट
फॉर वाई इज इक्वल टू टोटल अमाउंट इंटू 3/6। तो 3 से 6 को डिवाइड किया तो 2, 2 से 3000 को डिवाइड किया तो 1500। तो y का अमाउंट क्या हो गया 1500। हमें क्या बताना है y इज हाउ मच मोर गेट देन x। तो हम दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, 1500 माइनस 1000 इज इक्वल टू 500। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन c इज करेक्ट फॉर दिस। नाउ अचीवर सेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड रुपी 3010 अमंग ए बी सी रिस्पेक्टिवली इन सच अ वे दैट ए गेट डबल ऑफ वॉट बी गेट एंड बी गेट डबल ऑफ सी। मीन्स लेट सी का जो अमाउंट है, लेट सी गेट एक्स, ठीक है। नाउ वॉट इज द रेशियो, यहाँ पे क्या है, बी गेट डबल ऑफ सी, मीन्स बी का क्या हो जाएगा 2x, एंड वॉट इज द अमाउंट ऑफ ए, ए जो होगा डबल ऑफ बी, मीन्स ए के लिए क्या हो जाएगा 2x का डबल, मीन्स 4x, ठीक है। दिस इज द वैल्यू। नाउ हमें इनकी अमाउंट बताने है कि तीनों को क्या मिले। तो नाउ नाउ इन सबको हम टोटल करें तो ये क्या हो जाएगा 4x ऑफ ए प्लस 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू टोटल अमाउंट क्या है 3010। ऐड करते हैं तो दिस विल बी 7x इज इक्वल टू 3010। तो x विल बी इक्वल टू 3010 डिवाइडेड बाई 7। डिवाइड करते हैं 7 से, ठीक है। अगर हम डिवीजन परफॉर्म करें तो हमारा क्या आएगा 7 4 28, क्या बचेगा 2। अब ये बन जाएगा 7 3 21 और ये 0 430। x की वैल्यू क्या हो गई 430। तो नाउ 430 हो गई। अब हमें क्या बताना है सबके अमाउंट सेपरेटली। तो a के लिए क्या हो जाएगा 430 इंटू 4, ये है ना, यहाँ पर लिख देते हैं सामने सामने। a के लिए अमाउंट हो जाएगा 430 इंटू 4, 400 4 3 12 की 2 पावर आई 1, 4 4 16 प्लस 1 क्या होगा 1720। सिंगल ऑप्शन इज देयर दैट इज ए, तो ए विल बी द राइट, बट हम रिमेनिंग का भी चेक कर लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 430 इंटू 2 इज इक्वल टू 200, 2 3 6, 2 4 8, यू कैन चेक। नाउ एक्स की वैल्यू तो हमें पता ही है 430 है, तो वी गेट ऑल द वैल्यूज इन ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है। अ सम ऑफ 3690 इज डिवाइडेड अमंग P, Q, R and S such that P share divided by Q share is equal to Q share divided by R shares and R shares divided by S shares is equal to 4/5. Then what is the, then Q share is, हमें basically find out करना है Q का share क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं किसी एक का share assume कर लेते हैं। Let share of S is equal to X, ठीक है। If this is X, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं R डिवाइडेड बाई X इज इक्वल टू 4/5। तो हम क्या लिख सकते हैं R का शेयर क्या हो जाएगा 4/5 इंटू एक्स, ठीक है। दिस इज द शेयर ऑफ दिस, ठीक। नाउ अब हम Q का शेयर क्या होगा, अब हमें R की वैल्यू पता है तो हम Q की वैल्यू पुट कर सकते हैं। Q का शेयर क्या हो जाएगा, Q का शेयर डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू 4/5 है, एंड R की वैल्यू क्या है 4/5 x इज इक्वल टू 4/5। मल्टीप्लाई करेंगे तो q विल बी इक्वल टू ये पोर्शन पूरा का पूरा, दिस पोर्शन पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होगा विद दिस 4/5 इंटू 4/5 x इज इक्वल टू 16/25 x, ठीक है। दिस इज द शेयर ऑफ q, ठीक है। नाउ अब हमें क्या चाहिए, शेयर ऑफ p, ठीक है। हमें r का मिल गया, देखो s का हो गया x, r का हो गया 4/5 x, q का हो गया 16/25 x, ठीक। तो p डिवाइडेड बाय q इज इक्वल टू 4/5, तो नाउ p डिवाइडेड बाय q की वैल्यू 16/25 x इज इक्वल टू 4/5। मल्टीप्लाई किया तो दिस विल बी p इज इक्वल टू 4/5 इंटू 16/25 x इज इक्वल टू 64/125 x, ठीक है। दिस इज द शेयर ऑफ p, तो p इज इक्वल टू 64/125 x। अगर हम इन सबको सम करें मीन्स x प्लस 4/5 x प्लस 16/25 x प्लस 64/125 x इज इक्वल टू 3690, ठीक। नाउ एलसीएम लेते हैं, यहाँ क्या आएगा 125, दिस विल बी 125x प्लस 5 से अगर डिवाइड करें 125 को हमें क्या मिलेगा 25, और 25 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा 100x,
प्लस 25 से अगर हम 125 को डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा 5, 5 16 से मल्टीप्लाई करें तो 80x प्लस 64x इज इक्वल टू 3690। नाउ इन सबको प्लस करें, 125 देखो 4 प्लस 5 इज 9, नाउ 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 2 16 की 6 पावर आई 1, तो 1 1 एंड 1 369 डिवाइडेड बाई 125 और ये x इज इक्वल टू क्या हो गया 3690। तो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x विल बी इक्वल टू 3690 इनटू 125, 125 डिवीजन में था तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 369। ठीक, नाउ इससे हमने इसको डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेगा 10। नाउ 10 से 125 को मल्टीप्लाई किया, ये पोर्शन मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है, तो x विल बी इक्वल टू 125 इनटू x इंटू 10 इज इक्वल टू 1250। अब हमें बताना क्या था, q का शेयर। अब q का शेयर क्या है, दिस वन। तो नाउ वैल्यू पुट करते हैं, फॉर q इज इक्वल टू 16/25 इंटू 250। अगर हम इनको डिवाइड करें तो वी गेट 50 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो 16 इंटू 50 का, तो 16 इंटू 50 क्या हो जाएगा 800 means which option is correct, option D is correct for this. This question number 28, if A is to B is equal to C is to D, then MA plus NC is to MB plus ND is equal to, ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि इनके बीच का रेशियो क्या होगा, ठीक है, चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, A is to B is equal to C is to D, लेट दिस वैल्यू इज x, अगर ये वैल्यू x है, दोनों को हमने x कर दिया, तो हमारा क्या होगा, a बाई बी विल बी इक्वल टू x, मीन्स a विल बी इक्वल टू बी x, सेम वे c बाई डी इज इक्वल टू x, तो c विल बी इक्वल टू डी x। नाउ ये वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं दिस इक्वेशन में, तो नाउ अब हमारा क्या है फॉर्मूला, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में क्या गिवन है, एम ए प्लस एन सी डिवाइडेड बाई एम बी प्लस एन डी, वैल्यू पुट की तो एम ए, एम ए का मीन्स क्या हो जाएगा, ए की जगह पर हम क्या पुट करेंगे बी एक्स, तो ये हो जाएगा एम बी एक्स प्लस, सी के लिए क्या रखेंगे हम डी एक्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी इक्वल टू डी एक्स, तो एन डी एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ बी और डी के फॉर्म में ही है तो इसको चेंज नहीं करेंगे, एम बी प्लस एन डी, एक्स को हमने कॉमन लिया तो यहाँ क्या होगा एम बी प्लस एन डी डिवाइडेड बाई एम बी प्लस एन डी, बोथ आर सेम तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, क्या आएगा x इंटू 1 इज इक्वल टू x, ठीक है, हमें क्या मिल गया x, मीन्स नाउ व्हाट इज द वैल्यू, आइदर ऑप्शन हमारा होगा a इज टू b और c इज टू d, बिकॉज दिस इज इक्वल टू x, बट इन अवर ऑप्शन जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है 1 a इज टू b का, मीन्स ऑप्शन c विल बी करेक्ट फॉर दिस। स्टेट t फॉर ट्रू एंड f फॉर फॉल्स, 12 hours 30 hours इज इक्वल टू 8 किलोमीटर 20 किलोमीटर, तो हम करके देख लेते हैं, 12 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 20। नाउ अगर हम इसको 3 की टेबल से डिवाइड करें तो दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी 10, इसको 2 की टेबल से डिवाइड करें तो दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी 10, मीन्स बोथ आर सेम, तो दिस इज ट्रू, अगर ये ट्रू है तो बी रॉन्ग हो गया एंड डी रॉन्ग हो गया। नाउ सेकंड केस देखते हैं, द रेशियो ऑफ 1 आवर टू 1 डे इज 1:1, तो दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इन 1 आवर इन 1 डे देयर इज 24 आवर, तो रेशियो विल बी 1:24, मीन्स सेकंड इज फॉल्स, तो हमारा फॉल्स, मीन्स अवर सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। हम थर्ड ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं बिकॉज यहाँ फॉल्स है। नाउ थर्ड क्या है, द टू टर्म्स ऑफ अ रेशियो कैन बी इन टू डिफरेंट यूनिट्स, नहीं, अगर हम किसी का रेशियो लेते हैं तो उनके यूनिट सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने यहाँ किया, एक आवर था एक डे था, तो हमने डे को कन्वर्ट किया इन आवर, दैट्स वाई रेशियो क्या हुआ 1:24 का, तो हमें जब भी हम रेशियो लेते हैं तो हमारी यूनिट शुड बी सेम, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग, चलो अब हम मैच करते हैं, तो पहले 1 by 1 देखते हैं। फर्स्ट केस क्या है, अ बॉक्स कंटेन 80 बल्ब्स, 50 वर फाउंड टू बी डिफेक्टिव, द रेशियो ऑफ नॉन डिफेक्टिव टू डिफेक्टिव, तो अगर 80 थे उसमें से 15 डिफेक्टिव हो गए, तो हमारे नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे, इनका डिफरेंस क्या होगा 65। नाउ व्हाट इज, सॉरी, इनका डिफरेंस क्या होगा 65। नाउ रेशियो ऑफ
नॉन डिफेक्टिव टू डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव मीन 65 डिवाइडेड बाई 15, रेशियो अगर हम निकालें, अगर हम इसको 5 से डिवाइड करें तो 1 3 डिवाइडेड बाई 3, 13:13:3 मीन्स ऑप्शन हमारा किसके साथ मैच करेगा, इसके साथ. क्यू इज अमन इज 3 होल 1/2 टाइम्स एज ओल्ड एज करण. द रेशियो ऑफ अमन्स एज टू द करण एज इज, लेट करण एज इज एक्स. नाउ अमन एज इज 3 होल 1/2 टाइम्स ऑफ दिस, तो अमन की एज, दिस इज फॉर करण, अमन एज इज इक्वल टू एक्स ऑफ 3 होल 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 = 6, 6 + 1 = 7/2. ठीक है, नाउ दिस विल बी एक्स इंटू 7/2 इज इक्वल टू 7x/2. नाउ वॉट इज द रेशियो ऑफ अमन्स एज टू करण. ठीक है, अमन एज टू करण मीन्स 7x डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई x, तो x से x कैंसिल, तो 7/2 मीन्स 7:2. तो विच ऑप्शन मैच विद दिस, ये हमारा मैच होगा विद फर्स्ट. तो नाउ देर इज सिंगल ऑप्शन, ये हमारा इसके साथ मैच हो जाएगा. स्टिल मैं वेरीफाई करा देती हूँ आपको. नाउ इस थर्ड ऑप्शन में क्या है, सनाया अर्न्स 35,000 पर मंथ एंड सेव्स 15,000 पर मंथ, द रेशियो ऑफ हर अर्निंग टू हर सेविंग पर मंथ. तो अर्निंग इज 35,000 एंड सेविंग इज 15,000, माइनस 0 से 0 कैंसिल, 5 की टेबल से डिवाइड किया 7 एंड दिस इज 3. तो रेशियो क्या हो गया, 7/3 कैन बी रिटेन एज 7:3. मैच हो गया. मींस अब हम इनके ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शंस हमारे क्या हैं, पी के साथ जाएगा 3, बी के साथ 3, देयर इज सिंगल ऑप्शन दैट इज सी, मींस सी इज द करेक्ट ऑप्शन. आप चाहो तो अगर हमने फर्स्ट स्टेज पे सी के पी के मैच कर लिया था तो हमें फर्दर करने की जरूरत नहीं थी अगर हम ऑप्शन देख लेते तो, बट मुझे पूरा करना था सो दैट कि आपको क्लियर हो पाए. थैंक यू सो मच. स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू.